वेलकम टू माय चैनल वंदे मातरम। और आज हमने बटर पनीर टिक्का बना करके रेडी किया है, जो बहुत जल्दी बनता है। और पूरी टिप्स और ट्रिक के साथ मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने ये कैसे रेडी किया है। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम फटाफट से देखते हैं कि मैंने इस रेसिपी को कैसे रेडी किया है। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए हम पनीर को सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एकदम गाढ़ा जो है वो दही ले लिया है। इसी के अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर इस तरह से कस्तूरी मेथी को क्रश कर लेंगे, 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर, और ये जो है पनीर मसाला है इसको हम अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और चाट मसाला वो भी इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमने जो है ये प्याज जो है इसकी डाइस करके काट ली है, तो इनको भी इसमें डाल देते हैं, साथ में शिमला मिर्च और टमाटर, इन तीनों को हम अच्छे से इसमें मिला देंगे। इसी के साथ हम अपने पनीर की जो क्यूब्स हमने काटी थी उनको भी हम इसके अंदर मिला लेते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करने के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। ये मसाले में अच्छे से कोट हो गए हैं, बस अब हम इसे 1 घंटे के लिए इसे रख देते हैं फ्रीज के अंदर। पनीर टिक्का की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर हम सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। 1/2 चम्मच जीरा, साबुत गरम मसाला, कटी हुई प्याज। प्याज को काट के हमने पीस लिया था, मतलब दरदरा पीस लिया है, तो इसे अब हमें ब्राउन करना है। प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जिसमें जो है हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जीरा पाउडर, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, तो इसमें हम टमाटर प्यूरी है वो डाल देंगे और इस टमाटर प्यूरी को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स करके देंगे। हमारे टमाटर जो है वो अच्छी तरह से, ये देखिए बिल्कुल इसमें ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। तो इसके बाद जो है हम इसमें काजू की पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मेरी ग्रेवी का कलर जो है वो कितना अच्छा आया है, और ग्रेवी भी ये देखिए कितनी स्मूथ बन करके रेडी हुई है। अब मैं इसके अंदर जो है फुल फैट दूध जो है उसको डालने वाली हूँ और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। तो हमारी ग्रेवी के अंदर है उबाल आ गया है, तो इसे हम स्लो करके और इसे साइड की गैस पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और तब तक हम पनीर टिक्का को रेडी कर लेते हैं। अब हम तवा लेंगे और उसके ऊपर हम देसी घी जो है वो डाल देंगे। तो ये देखिए मेरा पनीर जो है वो अच्छी तरह से ये देखिए मैरिनेट हो गया है।
तो ये देखिए मेरा तवा जो है वो अच्छे से गरम हो गया है, तो इसमें हम अपने पनीर के जो टिक्के हैं वो इसके अंदर हम डालकर इन्हें थोड़ा सा इन्हें इस पर सेक लेंगे। इस तरह से हम इसे फैला लेंगे और इसे अच्छी तरह से इसे हम इसमें पका लेंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएं तो इन्हें हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और वापस अपनी ग्रेवी को रख देंगे। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी जो है वो वापस से खदकने लगी है, तो इसके अंदर जो है मैं अपने पनीर की जो टिक्का है वो सारे इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। ग्रेवी के अंदर हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए बनकर कितना अच्छा जो है वो रेडी हुआ है मेरा पनीर बटर टिक्का। अब हमारा बनकर रेडी हो गया है, बस इसके ऊपर ऊपर गार्निशिंग के लिए हम इसमें हरा धनिया डाल दिया और बस बनकर के मेरा रेडी हो गया है पनीर बटर टिक्का। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह मेरी और भी वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।